चुनाव के पूर्व भारत के मतदाता से यह संकल्प कराना और उसके सामने ये 16 बातें रखना जो कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का राजनीतिक समीकरण यदि इस चुनाव में बदलता है तो सारे विश्व का चिंतन इस बदलेगा, हिंदुओं के प्रति सारे विश्व का दृष्टिकोण इस चुनाव के बाद में बदलेगा। इसलिए ये जो बातें हैं इनके माध्यम से किसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कोई घोषणा नहीं हो रही है, और ये मैं बार बार कहती हूँ और ये सब कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसको स्वीकार करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र कभी इसको हिंदू शब्द और हिंदुस्तान शब्द विदेशी आक्रमणताओं ने ही कभी दिया था, आज उनको इससे क्यों तकलीफ हो रही है। इसीलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से इसमें जो बातें रखी गई हैं कि जब वोटर दरवाजे पर, जब वोट मांगने वाला दरवाजे पर आवे तो वोटर को उससे ये सवाल करने होंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ धर्म के साथ नहीं जुड़े हैं, इस पूरे देश की पहचान के साथ में जुड़े हुए हैं। और लगातार ये बात सामने आई है कि इस देश में जहां जहां पर जिस जिस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्या में आया है वहीं वहीं से देश को तोड़ने की साजिशें शुरू हुई है। इसलिए जरूरी है कि अब की बार का वोट बड़े सोच समझ करके और इस सवाल के जवाब पर डाला जाए कि आने वाले भविष्य में इस देश की पहचान राम के नाम से होगी कि बाबर के नाम से होगी। ये सवाल पूछा जाए जो भी दरवाजे के ऊपर वोट मांगने के लिए आवे, चाहे वो किसी भी दल का हो गए, कि तुम हमको ये बात स्पष्ट रूप से बताओ। इसलिए चुनाव के पूर्व गर्मी में चुनाव आए हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गर्मियों के चुनाव कईयों की गर्मी उतार सकते हैं। अगर यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से उसकी तैयारी कर ली जाए तो ये चुनाव कईयों की गर्मी उतारेंगे, जो सत्ता के मद में चूर होकर के और जिन्होंने आज देश को इस हालत में ले जा करके खड़ा कर दिया कि कश्मीर की घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना, संविधान को जलाना, तिरंगा झंडे को जलाना गुनाह नहीं है, लेकिन अयोध्या में जय जय सियाराम कहना गुनाह है। जो इस प्रकार की मानसिकता इस देश में पैदा की गई है, इसलिए जरूरी है कि ये सवाल हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसके सामने ये सवाल खड़ा किया जाए और उससे ये जवाब मांगा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे विश्व की राजनीतिक स्थिति बदलना आवश्यक है, एक बार फिर हिंदुत्व का अभ्युदय हो, इसलिए जरूरी है कि 20वीं सदी के इस अंतिम दशक के प्रारंभिक वर्ष का वोट इस प्रकार से पड़े कि यह घोषणा स्पष्ट हो जाए कि 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी होगी, 21वीं सदी भारत माता के जगत गुरु के सिंहासन पर बैठने की सदी होगी। और इसी के लिए यह जो प्रस्ताव आपके सामने आया है, मैं इसका अनुमोदन करती हूँ, प्राणपण से अनुमोदन करती हूँ, और आप सबसे आग्रह करती हूँ इन गेरुआ वस्त्रधारी, पीत वस्त्रधारी, वीतरागी संतों से, तपस्वियों से, सन्यासियों से कि यह समय आ गया है, जैसे एक बार विश्वामित्र जागे थे जब अन्याय और अत्याचार बढ़ा था, इसी प्रकार से यह समय आ गया है, जाइए गांव गांव में, जाइए गली गली में, जाइए हर नगर में, हर नगर में पहुंचिए। मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ, क्योंकि अगर अब की बार चूक गए तो ऐसा भी हो सकता है कि सदियों ना उठ पाएंगे, और अगर अब की बार सही मोहर मतदाता की, सही चुनाव चिन्ह पर लग गई तो ऐसा भी समय आएगा जब सारा विश्व भारत की चरण धूली लेने के लिए आतुर हो जाएगा। इसलिए भारत की तकदीर को और भारत की तस्वीर को सजाने का और संवारने का वक्त आ गया है, और भारत की विशेषता यह रही है कि यहाँ जब भी परिवर्तन आया, यहाँ जब भी क्रांति आई, वो धर्म का आधार लेकर के ही आई। इसीलिए व्यवस्थाएं तो बदली, और मुझे विश्वास है कि ये जो चुनाव आया है यह एक क्रांति है, एक परिवर्तन है, और वो परिवर्तन संतों और महात्माओं की संकल्प शक्ति के अनुसार ही आना चाहिए। अंत में एक और निवेदन करूंगी, स्वामी चिन्मयानंद जी के सरकार का निर्माण हो, जो राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करे। मैं कहती हूँ कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, 30 अक्टूबर को जिन्होंने केसरिया पताका फहराई उन्होंने राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, और 2 नवंबर को, 30 अक्टूबर को मंदिर का निर्माण केसरिया पताका फहराने वालों ने कर दिया, और 2 नवंबर को अपने रक्त के द्वारा राम भक्तों ने उस मंदिर के कलशों का भी अभिषेक कर दिया। वो मंदिर भले ही चरण चक्षुओं से ना दिखता हो, लेकिन वो वहां पर बन चुका है। और अंत में फिर कहूंगी कि यदि राम कृष्ण और विश्वनाथ के स्थान पर मंदिर बनाने का मौका हिंदुओं को ना मिला तो हिंदुस्तान की हर मस्जिद को असुरक्षा हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस देश में अल्पसंख्यक भी हो, इस देश में मुसलमान भी हो, इस देश में पारसी भी हो, इस देश में यहूदी भी हो, इस देश में ईसाई भी हो, अगर ये 16 शर्तें हरेक जो खड़ा होगा उसने स्वीकार कर ली, और इनको स्वीकार करने के बाद ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला बहुमत दिल्ली में पहुंच गया, उसकी सरकार बन गई, तो लोग कहते हैं कि फिर बातियों का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, पार
कि वो दूसरे को संरक्षण देता है। बस हिंदू की एक ही आदत है कि उसकी छाती पर किसी को बिठाओगे तो वो नहीं बिठाएगा, लेकिन उसके दिल में अगर किसी को बिठाना चाहोगे तो समुद्र की तरह दिल है गुरु जी का। ये हिंदू की विशेषता है कि हिंदुओं की बेटी उमा भारती अजमेर के दरगाह शरीफ पर जाकर के मक्का टेक आएगी, बंबई के हाजी मरण पर जाकर के मक्का टेक आएगी, अगर प्यार की बात करोगे तो। लेकिन अगर तलवार की बात करोगे, जबरदस्ती की बात करोगे तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे जिंदा दीवार के अंदर चिरवा दिए जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती स्वीकार नहीं करेंगे। और यह विशेषता जो नहीं समझ पाएगा आने वाली राजनीति के इतिहास में, उसकी धूल भी ढूंढने के लिए नहीं मिलेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।